जी दोस्तों नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में मैं कपिल आपका स्वागत करता हूं। आज के दिन मैं आपको बताऊंगा कि कल के लिए 23 तारीख के लिए कौन कौन से इंट्राडे स्टॉक हो सकते हैं अपने लिए, जिसमें काफ़ी अच्छा आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने आज भी आपको प्रोवाइड करे थे दो स्टॉक, जैसे कि टाटा स्टील और ग्रासिम का, जिसमें दोनों में प्रॉफिट बुक हुआ, दवा के प्रॉफिट बुक हुआ। अगर उस वीडियो को दोस्तों आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके उसको उस वीडियो को देख सकते हो और जज कर सकते हो कि मैंने कहाँ कहाँ पर रिसर्च करा था और रिसर्च का किस प्रकार से प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो आइए दोस्तों आज मैं सबसे पहला स्टॉक आप लोगों को बताता हूँ कौन सा है। ठीक है, मैं NSE की साइट पे लेके चलता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, आज मार्केट ने बहुत गिरावट देखने को मिली। आज आपने देखा होगा बहुत सारे स्टॉक थे जिसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो सबसे पहला स्टॉक जो है वो है अपना ACC लिमिटेड। ठीक है, ACC लिमिट पे मैं आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ से रिसर्च हुआ, कहाँ पर कौन से पॉइंट पे रिसर्च हुआ, क्या हुआ। अब आप देख सकते हो इसमें कितनी गिरावट देखने को मिली। 1462 रुपये पर ये बंद हुआ है, 2223 रुपये का लो, 2223 रुपये पॉइंट नीचे गिरा। ठीक है, हाई ओपन लो आप पूरा चेक कर सकते हो दोस्तों किस लेवल पर हुआ है। आइए मैं इसके चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको NSE की साइट पर ही। ठीक है, आप देख सकते हो ये मैंने इसका चार्ट खोला है, इसका कौन सा पॉइंट भी हुआ जिस पे अपना रिसर्च हुआ ये मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो इसने कितना मूवमेंट करा, अप डाउन, यहाँ से फिर रिकवरी करी, फिर डाउन आया, मार्केट बंद होते थे फिर रिकवरी करी। उसके मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो रिसर्च हुआ है, जो पॉइंटों पर अपना रिसर्च हुआ है दोस्तों, मैं वो सजेस्ट करता हूँ आपको। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट पर एक अपना रिसर्च हुआ। ठीक है, देन एक अपना इसी पॉइंट पे रिसर्च हुआ जहाँ पर वो रिकवरी कर रहा था। इन दोनों पॉइंट पे रिसर्च पे ये देखा गया है कि इसमें जो टारगेट स्टॉप लॉस जो देखा गया है वो अपना एक सही लेवल पे देखा गया है, जिस पे आपको अगर मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको कहाँ पर है, तो जहाँ पर मैं बता रहा हूँ उसके नीचे ही आपको बुक करना है। जैसे कि आज के दिन ग्रासिम का मैंने बोला था कि आपको 690 से ही शॉर्ट सेल करना है, तो उसको आपने देखा होगा दोस्तों 690.20 का उसने लो लगाया, देन उसने 708 का हाई लगाया, देन उसके बाद उसने 680 का लो लगाया। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें भी जो मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूसली उस पर ही आपको फोकस करना है। ठीक है, जहाँ तक मैं बता देता हूँ आपको इसका टारगेट स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसमें अपने को कहाँ से बाय कहाँ से सेल रहता है, जो स्टॉक अपने को वहीं से करना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टॉक है सर दोस्तों, इसको आपको 1455 रुपये से सेल करना है। ठीक है दोस्तों, इसको 1455 से सेल करना है। इसमें आपका जो टारगेट रहेगा वो लगभग 1445 का रहेगा। ठीक है, 1445 का अपना ये टारगेट रहेगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, 1445 का अपना ये इसमें टारगेट रहेगा। ठीक है, और जो अपना SL रहेगा वो मिनिमम साइड पे इसका SL जो रहेगा वो 1460 का अपना SL रहेगा। आगे दोस्तों समझ में नहीं आया तो एक बार और मैं सजेस्ट कर देता हूँ आपको, उसमें थोड़ा गलत हो गया था, अपने कोई 1455 रुपये से 55 से सेल है, 1445 का टारगेट है, और जो SL है वो 1460 का SL रहेगा दोस्तों। आगे कंटिन्यूसली समझ में। ठीक है, एक स्टॉक ही हो गया, देन सेकेंड स्टॉक की मैं बात करता हूँ। सेकेंड स्टॉक है दोस्तों अपना इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस IBUL। आपने देखा होगा इसमें भी कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे रोज का फॉल दिख रहा है, इसका भी चार्ट एक जैसा दिख रहा है। इसमें देखा होगा आपने 52 बिक का आपको इसमें लो देखने को मिला है। ठीक है, तो इसको मैं बाइंग प्राइस दूंगा, इसमें आपको बाइंग प्राइस दूंगा जो कि आपको रहेगा दोस्तों 465 से। ठीक है, जो इसमें टारगेट रहेगा वो अपना रहेगा 472 का, और जो SL रहेगा दोस्तों अपना वो इसमें मिनिमम साइड पे रहेगा 460 रुपये का। आ गया दोस्तों समझ में। ठीक है, इसका मैं चार्ट आपको बता देता हूँ, इसका चार्ट क्या है, कहाँ पर रिसर्च हुआ, कौन से पॉइंट पे रिसर्च हुआ, इसका टारगेट और स्टॉप लॉस तो बता ही दिया मैं आपको, इसका आपको बता देता हूँ कहाँ पर इसका रिसर्च हुआ। IBUL या इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, इसका चार्ट पैटर्न देख लीजिए, कंटिन्यूसली फॉल जो दिखा इसने थोड़ा बहुत रिकवरी करा, लेकिन जो अंत में इसने रिकवरी करा वो शानदार देखने को मिला। कंटिन्यूसली यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ से जो फॉल आया ये रिकवरी करा, इसके बेस पे हमने जो रिसर्च करा दोस्तों
वो एक इस पॉइंट पे करा है जहाँ से इसने रिकवरी करा था, देन सेकंड इसने यहाँ से रिकवरी करा था, यहाँ से इसका पॉइंट व्यू करा है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया है कि मैंने किस लेवल पे रिसर्च करा। इन दोनों पॉइंटों के नीचे जब मैंने बोला है जहाँ से मैंने बोला है कि आपको बाय करना है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 465 के ऊपर मिलता है तो ही इसे बाय करना, ACC बोला है मैंने 1455 से सेल करना, उसके नीचे मिलता है तभी आपको इसको सेल करना है। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करना। चैनल पे अगर आप नए हो दोस्तों, इस डेली बेसिस पे इसी लेवल का प्रॉफिट अगर बुक करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्त, थैंक यू।